अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। एक ख्वाजा मीर दर्द थे और एक मीर तकी मीर थे। ख्वाजा मीर दर्द भी मीर तकी मीर की तरह एक बहुत बड़े शायर हो गुज़रे और उनका कलाम भी अक्सर व बेशतर देखने को मिल जाता है। ख्वाजा मीर दर्द मीर तकी मीर की नस्बत आशिकी के अशार ज़रा कम कहा करते थे। आशिकी से मुराद है कि वो मजाजी रंग में उन्होंने कम बात की है, लेकिन उनका कलाम ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो है हकीकी रंग में। उनके बहुत कई अशार बहुत मशहूर हैं और ऐसे मशहूर हैं कि वो ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। हम यहाँ ख्वाजा मीर दर्द का कलाम अभी तक आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सके। मीर तकी मीर का कलाम अलबत्ता हमने पेश किया और गालिब तो आप जानते ही हैं कि आपके और हमारे सबके पसंदीदा हैं। तो आज हम ख्वाजा मीर दर्द की एक गज़ल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये गज़ल मुख्तसर है, लेकिन इसमें उन्होंने जो कुछ कहा है जब हम उसके माने करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख्वाजा मीर दर्द किस पाए के शायर थे। इसका पहला शेर है, हम तुझसे किस हवस की फलक जस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है कि कुछ आरजू करें। फलक आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मुकद्दर या तकदीर के मानों में शायर इसको इस्तेमाल करते हैं, और हवस का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेने की आरजू करना। हमारे यहाँ हवस का मतलब सिर्फ बुरे मानों में ही लिया जाता है, लेकिन चूँकि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करने को हवस कहते हैं तो यूँ भी ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि इस शेर में और कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ है नहीं, तो हम इसकी मानी करने की कोशिश करते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है, वो अपनी तकदीर से ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे मुकद्दर, जब इंसान किसी चीज़ को मांगना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होती है। तो वो फरमाते हैं कि हम पर इतने दुख आए, हमने इतनी तकलीफ़ें सही, हम इतने रंज और गम से गुज़रे कि ऐसा लगता है कि अब हमारे पास दिल रहा ही नहीं है। और जब हमारे पास दिल नहीं रहा तो हम किस चीज़ की आरजू करें, हम क्या चीज़ मांगें? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं ख्वातीन हज़रात के दिल वो मकाम है जहाँ पर इंसान की कोई ख्वाहिश बेदार होती है। शायरी के हवाले से हम बात करते हैं, वैसे अगर आप इसको दूसरी तरह लें तो हर चीज़ का जो मंबा है वो दिमाग है, दिमाग में पैदा होती है। लेकिन चूँकि कहा यह जाता है कि ख्वाहिशात का जो मरकज़ है वो इंसान का दिल होता है, तो वो ये फरमा रहे हैं अपने इस शेर में अपनी तकदीर से कि भाई अब हम किस बात की जस्तजू करें, किस लिए कोशिश करें कि हमारी ये आरजू पूरी हो जाए और हमारी वो आरजू पूरी हो जाए, इसलिए कि हमारे पास तो वो चीज़ ही नहीं रही जिसके अंदर आरजुएँ पैदा होती हैं, यानी दिल। अब हमारे पास दिल नहीं है तो हम कैसे आरजुओं की हवस में इधर उधर दौड़े भागे चले जाएं? तो अगर हम कोई आरजू नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब दिल ही नहीं रहा। अब दिल क्यों नहीं रहा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक आम वजह जो समझ में आती है वो ये कि जब पे दर पे नाकामियाँ हुई, पे दर पे शिकस्तें खाईं, तो दिल टूट गया। और जब दिल टूट जाता है तो इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को पाने की आरजू या जस्तजू खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो मीर साहब अपने शेर में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि आप किसी चीज़ की कोई आरजू आपके दिल में है ही नहीं, ना आप किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो कहते हैं कि ख्वाहिशात का इजहार तो वो लोग करते हैं कि जिनके पास दिल होता है, हमारे पास तो दिल रहा ही नहीं, तो हम ना कोई आरजू करते हैं ना हम किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। इसका अगला शेर है, मिट जाएं एक आन में कसरत नुमाइयां, हम आईने के सामने जब आके हु करें। कसरत नुमाइयां का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना, और हु लिया गया है अल्लाह हु से,
और ये मस्तों का नारा होता है, दरवेशों का नारा होता है, जिनकी नज़र में सिवाय खुदा ताला की ज़ात के और कोई ज़ात जचती नहीं है। वो किसी भी हुस्न को नहीं मानते, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि, और हकीकत भी है कि, अल्लाह ताला से ज़्यादा हुस्न व जमाल और किसी के पास है नहीं। तो फरमाते ये हैं कि जब हमारे सामने कोई आकर अपने हुस्न की या अपनी शक्ल व सूरत की या अपने नाज़ो अंदाज की बात करता है और आईना देखता है और अपने हुस्न पर उसको बड़ा फ़ख्र और बड़ा गुरूर होता है, तो कहते ये हैं कि ये अगर अपनी असल शक्ल देखे, और कहते हैं कि इंसान का असल जो है वो खुदावंद ताला की ज़ात इंसान में झलकती है, तो कहते हैं कि अगर इंसान अपने आप को पहचान ले तो जब वो आईने में अपना चेहरा देखेगा और अपना हुस्न और अपना जमाल देखेगा तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही कि वो खुदा को याद करेगा। यहाँ हु से मतलब है अल्लाह को याद करना। तो कहते हैं कि जितना भी हुस्न है या जितना भी जमाल है या दुनिया में जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं या इंसान की अपनी ज़ात के अंदर जो उसके ख्याल में बहुत ज़्यादा खूबसूरतियाँ पाई जाती हैं, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है कि एक मरतबा वो सच्चे दिल से अल्लाह को याद करे और अल्लाह की बनाई हुई उन नेमतों को देखने के लिए दुनिया के चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाए, तो उसको जो ये कसरत नुमाई है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने का शौक़ है, ये सारा उसका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि खुदा की ज़ात से ज़्यादा और कोई भी हसीन और जमील नहीं है। इसका तीसरा शेर है और ये शेर बहुत मशहूर है, आपने अक्सर इसको सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। ये तो एक तरह की एक कहना चाहिए कि अब एक मिसाल बन चुका है। तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। अब इस शेर में वो तर दामनी का मतलब होता है आपका दामन भीगा हुआ, लेकिन ये लुगत के माने हैं। तर दामनी से असल में कहना वो ये चाहते हैं कि गुनाहों से हमारा दामन जो है वो तर हो चुका है, मतलब ये कि हमने इतने गुनाह किए हैं कि हमारा जो दामन है वो उन गुनाहों से भरा हुआ है, भीगा हुआ है। और शेख आप जानते हैं कि एक इस्तारा है, एक इशारा है, जो शेख उसको इसके लिए कहा जाता है नेक आदमी के लिए, या जाहिद, वो भी आपने सुना होगा। तो शोरा की अक्सर शेखों से और इन जाहिदों से हमेशा लगती नहीं है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही ये दिखाई देते हैं शेरों में। हमने किसी शेख या जाहिद का शेर तो नहीं पढ़ा, ये यकतरफा शिकायत हैं जो कि शोरा अक्सर व बेशतर शेखों से या जाहिदों से करते रहते हैं। मतलब ये कि नेक लोगों के साथ वो अपना मुआजना ज़रा तंजिया अंदाज में करते हैं। फरमाते वो ये हैं कि बज़ाहिर तो हमारा जो वजूद है वो गुनाहों में डूबा हुआ है, हमारा जो दामन है वो आपको गुनाहों से तर नज़र आता है, भीगा हुआ नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी हमारी अल्लाह की बारगाह में वो हैसियत है कि अगर हम अपना दामन निचोड़ें तो उससे जो पानी निकलेगा उससे फरिश्ते वुज़ू कर सकते हैं। अब जाहिर है कि फरिश्ता अपनी ज़ात में एक पाक चीज़ है और वुज़ू पाक होने के लिए किया जाता है। तो फरमा ये रहे हैं कि शेख साहब, आप हमारे ज़ाहरी हाल पर ना जाएं, आप हमें बहुत गुनाहगार समझते हैं, लेकिन हमारी हैसियत ऐसी है कि ये हमारा दामन जो है बेशक गुनाहों से भरा हुआ है, गुनाहों से तर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कुछ ना कुछ वक़्त, कुछ ना कुछ इज़्ज़त, कुछ ना कुछ शर्फ अल्लाह की नज़र में है। और ऐसा है कि ये जो आपको हमारा दामन गुनाहों से तर नज़र आता है, ये ऐसा है नहीं, हम अंदर से बहुत पाक और साफ हैं। शेर है, सरता कदम जबान है जूं शमा गो के हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करें। सरता कदम का मतलब ये है सर से लेकर पैर तक, और जबान का मतलब आप जानते हैं, और जूं कहते हैं की तरह। फरमाते ये हैं, और मजाल कहते हैं जुरत को या हिम्मत को। फरमा ये रहे कि जैसे कि एक शमा
क्षमा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। जिसका काम जलना होता है, आप उसको ऊपर से नीचे तक देख लीजिए या नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, वो क्षमा होती है। तो कहते हैं कि हम अगर बात करें तो हम ऐसे हैं कि जैसे हमारा पूरा वजूद एक ज़बान है। ज़ाहिर है कि एक छोटी सी ज़बान से आप बेशुमार बातें करते हैं, बेशुमार बातें कर सकते हैं, लेकिन जो ज़बान जो 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 शख्सियत सर से लेकर पैर तक ज़बान हो, तो ज़ाहिर है कि उसकी ज़बान बहुत बड़ी होगी, वो बहुत ज़्यादा बातें कर सकेगा, वो बहुत ज़्यादा अपनी बात समझा सकेगा। तो कहते हैं लेकिन मसला ये है कि हमारी जुरत नहीं है कि हम बात कर सकें। अब इसको मुख्तलिफ मानों में लिया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इंसान शिकवा नहीं कर सकता अपने महबूब के सामने, महबूब कितने ही जुर्म क्यों ना करे। तो कहते हैं कि गो के अगर हम बात करने पर आए तो जैसे शमा ऊपर से नीचे तक शमा होती है, उसका काम जलना ही होता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता, तो हम भी हमारा भी सर से पैर तक ये आलम है कि हम सर से पैर तक ज़बान है। अब सर से पैर तक ज़बान का क्या मतलब हुआ? सर से पैर तक ज़बान का मतलब ये हुआ कि हम बेहद ज़्यादा गुफ्तगू कर सक ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि जब हम हुस्न की बारगाह में पहुँचते हैं तो हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, हम बात करने के काबिल नहीं रहते, हमारे अंदर से वो सारी जुरत और वो सारी हौसला और वो सारा वलवला ख़त्म हो जाता है। तो हम ये ज़रूर है कि हमें अगर कोई दुख पहुंचता है, तकलीफ़ पहुंचती है उस शमा की तरह जो जलती रहती है, लेकिन और हम बोलने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने पहुंचते हैं तो हमारी सारी की सारी सलाहियत धरी की धरी रह जाती है और हम कोई बात करने के काबिल नहीं रहते। अगला शेर देख लीजिए। हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल, मुँह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करें। हर चंद का मतलब है कि अगरचे, और ना कबूल का मतलब है ना पसंदीदा, जिसको पसंद ना किया जाए। रूबरू का मतलब होता है आमने सामने, यानी रू चेहरा रूबरू यानी चेहरा आमने सामने। फरमाते वो ये हैं कि मैं आईने की तरह हूँ, जैसे आप आईने में अपनी सूरत देखते हैं तो आप दो हो जाते हैं, यानी एक आप होते हैं और एक आईने में जो आपकी सूरत होती है वो नज़र आने लगती है। लेकिन कहते ये हैं कि मैं एक आईने की तरह ज़रूर हूँ, लेकिन जब आईने में तो इंसान अपनी शक्ल देखते हैं और अपने बारे में उसको अपने चेहरे को बनाते हैं, संवारते हैं या हुस्न पर नाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक आईने की तरह हूँ, बहुत साफ सुथरी मेरी हस्ती है, बहुत शफाफ हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं काबिल कबूल नहीं हूँ, यानी ये दुनिया मुझे कबूल नहीं करती। मेरे सामने जब कोई भी आता है वो मुँह फेर लेता है मुझसे। अब इसमें उन्होंने या तो ये कहने की कोशिश की है कि मैं बहुत खरा और सच्चा आदमी हूँ और ये दुनिया जो है वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, दुनिया खुशामदी लोगों को या चापलूस लोगों को पसंद करती है। तो बताने की वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं चूँकि एक बहुत ही खरा और बहुत ही सच्चा आदमी हूँ और मैं किसी की लगी लिपटी नहीं रखता और मैं एक आईने की तरह हूँ, लेकिन मेरे सामने जो भी आता है, बजाय इसके कि आईना जब आपके सामने होता है तो आप आईने में ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा मामला इसके बिल्कुल उलट है। अब मैं तो जिसके जो मेरे करीब आता है वो फौरन ही मुझसे दूर हो जाता है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं कोई बात दिल में नहीं रखता, लगी लिपटी नहीं रखता और साफ साफ बात करता हूँ, इसलिए गो के मैं एक आईने की तरह हूँ जिसमें लोग अपना चेहरा देख सकते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं किया जाता। अगला शेर है। ने गुल को है सवात ना हमको है एतबार, किस बात पर चमन हवा से रंगो बू करें। ने गुल को है सवात का मतलब है, ने का मतलब है ना तो, यहाँ पर आप इसको ऐसे लीजिएगा ना तो, सवात का मतलब होता है कायम रहना, मौजूद रहना, और हवा से रंगो बू का मतलब है कि वैसे तो रंगो बू आप जानते हैं यानी खुशबू और रंग, उसके लिए कहा जाता है। चमन दुनिया के मानों में कहा है, हवस के माने अभी हम आपको ऊपर बतला चुके हैं। फरमाते ये हैं
कि ये जो दुनिया है इसको किसी सूरत भी सबात नहीं है, इसमें कोई चीज़ भी हमेशा रहने के लिए नहीं बनी, हर चीज़ इसकी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हो जाती है, और हमको भी इसका एतबार नहीं है। तो फिर हम इस दुनिया की आरजू ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करें कि भाई हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। हमें जो कुछ भी मिलेगा वो ज़ाहिर है कि हमारे पास रहेगा तो नहीं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ मिटने के लिए बनी है, और ना तो इन चीज़ों को हमेशा रहने के लिए बनाया गया है, और ना ही हमें दुनिया का कोई एतबार है। तो फिर हम इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए क्यों हवस करें, क्यों अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते रहें, क्यों हम दुनिया के पीछे दौड़ें, जबकि हम जानते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो दुनिया कभी बाकी नहीं रहेगी, इसकी चीज़ें जो हैं उनको कभी सबात नहीं है, वो अपनी जगह पर कभी कायम नहीं रहेंगी। आज जो चीज़ बहुत अच्छी है कल बुरी होगी, परसों फना हो जाएगी। तो हम किस बात पर ये इस चमन की जो रंग और बू हैं, ये जो दुनिया है, इसको पा लेने की आरजू करते रहें। आखिरी शेर है अपनी ये सलाह कि सब जाहिदान शहर ए दर्द आके बैते दस्ते सुबू करें। सलाह का मतलब यह है कि मशवरा, और जाहिदान जमा है जाहिद की, और जाहिद कहते हैं इबादत करने वाले को, इबादत गुजार आदमी को, और बैत कहते हैं किसी के पीछे चलने के लिए कोई अहद या कोई वादा करने को, और सुबू कहते हैं शराब के जाम को। अब वो कहते ये है कि मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ कि ये शहर में जितने भी नेक लोग हैं ये आएं और जो शराब का जाम है उसकी बैत करें, यानी उसको शराब पीना शुरू कर दें। अब इसके मानों में अगर आप लीजिए, इन मानों में सीधे सीधे मतलब तो ये है कि ख्वाजा मीरदर जो है वो शराब पीने का मशवरा लोगों को दे रहे हैं, और आम लोगों को नहीं दे रहे हैं, बल्कि इबादत गुजार लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप आइए और जो दस ये सुबू है इसके हाथ पर आप बैत कीजिए, यानी शराब पीने का तहिया कर लीजिए। लेकिन दरअसल बात ये है नहीं, हमने आपको शुरू में बताया कि ख्वाजा मीरदर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत नेक इंसान थे, और उनका जो कलाम है बेशतर वो ऐसा नहीं है जैसे कि आम आपको इश्क़ मजाजी वाले शायरों का कलाम मिलता है। तो उनके इस किस्म के आशार जो हैं उनमें इशारे हैं, तो वो फरमा ये रहे हैं इसके अंदर कि वो लोग जो बहुत इबादत हैं, इबादत गुजार हैं, जो हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं रात और दिन, उसकी फ़िक्र में उसको राज़ी करने के लिए लगे रहते हैं, तो यहाँ पर ये जो दस्ते सुबू है यानी जो जाम का हाथ है, इससे मुराद शराब का वो जाम नहीं है जिसे मैं और आप जानते हैं, जिसे आम तौर पर शराब कहा जाता है। फरमा वो ये रहे हैं कि हमारा मशवरा ये है कि आप जो सच है, जो हक है, उसका जो जाम है, आप आके उसकी बैत कीजिए। मतलब ये कि आप नाम निहाद एक तरह से बहुत लोगों में मशहूर हैं कि भाई ये आदमी बहुत नेक है, बहुत परहेजगार है, बहुत नेकियां करता है, लेकिन ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी मेरा मशवरा यही है कि आप आइए और आकर जो हक का जाम है, जो हकीकत की शराब है, उसके आप हाथ पर आकर बैत कीजिए। अब ये हाथ पर बैत करने का क्या मतलब होता है, ये पुराने ज़माने से चला जा आ रहा है सिलसिला कि जिसकी बैत की जाती थी वो अपना हाथ आगे कर देता था, तो या तो लोग उसके हाथ को चूमते थे, आँखों से लगाते थे, पेशानी से लगाते थे, इसका मतलब होता था कि वो जो कुछ भी कहेगा वो उसको मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, या फिर वो उसके हाथ पर हाथ रख देते थे, तो इससे ये तसव्वुर कर लिया जाता था कि ये इनका मुकल्लिद रहेगा, इनके पीछे चलेगा, ये जो कुछ भी कहेंगे उससे मुंह नहीं फेरेगा, तो वो उसको बैत दस्त कहते थे, यानी हाथ के ऊपर वादा करना। तो वो अपने इस शेर में यही फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आप सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप आकर जो हकीकत का जाम है उसके हाथ उस पर आके आप बैत कीजिए, यानी आप हकीकत का रास्ता अपना लीजिए, और ये इबादत जिसके लिए आप बहुत मशहूर हैं ये हमें तो लगता है कि दिखावे की हैं, लेकिन जब आप सच के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, हक़ के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, और हक़ के और सच के रास्ते में हमेशा कांटे होते हैं, तब आपको एहसास होगा, तब आपको हमारा मशवरा जो है वो लगेगा कि ज़्यादा बेहतर था। तो फरमाते हैं हम तो इस रास्ते पर हैं,
हम आप सब लोगों को भी बुलाते हैं कि आप भी आइए, इसी रास्ते पर चलिए, और जो हक का बैते दस्त है वो आप चूम लीजिए, यानी जो सुबू है, जो सागर है, जो जाम है हक की शराब का, आप उसकी बैत कर लीजिए। ख्वातीन हज़रात, ये ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल थी जो हमने इस महफिल में शामिल की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी ख्वाजा मीर दर्द पर बात होती रहेगी। आपको ये गज़ल और इसकी तशरीह कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी किसी और गज़ल में, किसी और गज़ल के साथ, किसी और महफिल में। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।